हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, उसके फ्रेंड्स आईपीसी जो कैंप है, इसमें आईपीआरसी कैंप इसरो नवोदय कॉम्प्लेक्स महेंद्र गिरी में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर, फायरमैन के पद पर और अदर जो पद हैं उनके बात करने वाले हैं। उनके पद पर हम बात करेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे, और बात करें क्वालिफिकेशन एलबीटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कौन कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलबीटी क्राइटेरिया का होने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज इसके फुल डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलबीटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज इलेक्शंस क्या होने चाहिए, कब तक, कब किस तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी। जैसे आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, आवेदन कैसे करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी है इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्र गिरी में आपकी रहेगी, प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में आपकी रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिनांक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, किस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और आपका वेतन इसके लिए क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी सहायक के लिए, इसमें लेवल 7 का आपका वेतन हो जाए 44,900 बेसिक से 142,400 आपके यहाँ पे वेतन होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ यांत्रिकी यानी मैकेनिकल ट्रेड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप पे यहाँ पे दिए गए। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में होना चाहिए, साथ में प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 4 पद रहेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इससे रिलेटेड डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में टोटल 1 पद है, इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में टोटल 1 रहेगा, इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। सिविल में बात करेंगे, पोस्ट कोड 26, सिविल में तीन तीन वैकेंसी है, इसके लिए आपके फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल में आपके पास होना चाहिए। तकनीकी बी यानी तकनीकी टेक्नीशियन बी के लिए बात करेंगे, इसमें लेवल 3 का वेतन 21,400 बेसिक से 69,100 आपका यहाँ पे वेतन रहेगा फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स फिटर ट्रेड में, इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई आपके पास होना चाहिए जिस भी ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 3 वैकेंसी है, फिटर में 19 वैकेंसी है, बेल्डर में 3 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी में 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 2 वैकेंसी और प्लम्बर में 1 वैकेंसी। इसके लिए सभी पदों के लिए आपके जिस भी ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें उसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए, साथ में आपके पास फ्रेंड्स 10th पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन बी की बात करेंगे, इसमें आपका जो ड्राफ्टमैन बी लेवल 3 का वेतन रहता है 21,700 बेसिक से 69,700 आपका वेतन रहता है। इसमें जो आपका डिसिप्लिन रहेगा सिविल रहेगा, 1 वैकेंसी रहेगी, इसके लिए आपके 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए ड्राफ्टमैन में फ्रेंड्स। तो वाहन चालक हैवी व्हीकल ड्राइवर में टोटल 5 वैकेंसी, इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में वैध हैवी ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए, साथ में आपको नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। लघु वाहन चालक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लाइट मोटर व्हीकल 2 वैकेंसी, 10th पास होना चाहिए, LMB LV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। सार्वजनिक सेवा बिल्ला होना चाहिए आपके साथ, आपके पास होना चाहिए। तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की अंतर्गत आवश्यकता पद के जो भी 3 महीने के भीतर पूरा कार्यक्रम किया जाना चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। यदि आप फायरमैन ऐसे आवेदन करते हैं, लेवल 2 का वेतन रहेगा 19,900 से 63,200 आपका वेतन रहेगा, इसके लिए 1 पद है, 10th पास आपका होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए फ्रेंड्स। जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं आईपीआरसी की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, 27
मार्च 2023 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी की डिटेल्स आपको जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, वहां से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बारे में भी आपको बता देंगे फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन।